बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर ऋषि कपूर ने अपने करियर में एक से एक कई सुपरहिट फिल्में दी है। एक्टर ने अपने करियर की शुरुआत साल 1970 में आई फिल्म मेरा नाम जोकर से की थी। इस फिल्म में ऋषि कपूर ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर डेब्यू किया था। अपनी पहली ही फिल्म के लिए ऋषि कपूर को बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था। फिर 3 साल बाद ऋषि कपूर बॉबी में नजर आए। यूं तो ऋषि कपूर की कई बॉलीवुड हसीनाओं के साथ जोड़ी नाम, लेकिन एक्टर को सबसे ज़्यादा पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ पसंद किया गया। ऋषि कपूर और पद्मिनी साल 1982 में आई फिल्म प्रेम रोग में साथ नजर आए थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। फिल्म का ये गलिया ये चौबारा आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ा रहता है, लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान एक घटना घटी थी जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल प्रेम रोग फिल्म में एक ऐसा सीन था जिसमें पद्मिनी को ऋषि कपूर को थप्पड़ मारना था। राज कपूर इस फिल्म को पूरी तरह से परफेक्ट बनाना चाहते थे और यही कारण था कि राज कपूर ने इस सीन के कई रीटेक करवाए, जिसके कारण पद्मिनी ने ऋषि कपूर को एक के बाद एक 8 थप्पड़ जड़े थे। पद्मिनी ने 8 थप्पड़ मारने के बाद ऋषि कपूर का गाल पूरी तरह से लाल हो गया था, जिसके बाद एक्टर काफ़ी गुस्सा भी हो गए थे। इस घटना के बाद ऋषि कपूर ने पद्मिनी से बदला लेने की ठान ली थी। पद्मिनी कोल्हापुरे ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि इस घटना के बाद ऋषि कपूर ने मुझसे कहा था कि वो इस बात का बदला ज़रूर लेंगे। रिपोर्ट्स की माने तो जब ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरी एक दूसरी फिल्म में साथ नज़र आए तो उन्होंने डायरेक्टर से कहकर एक ऐसा सीन रखवाया था जिसमें उन्हें पद्मिनी को छाता मारना था। इस तरह ऋषि कपूर ने पद्मिनी से अपना बदला लिया था। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।